माय गॉड इट्स सो क्यूट यार, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा यार। आओ साथ में खेल, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये न्यू ईयर आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो फ्रेंड्स, इस न्यू ईयर पे अगर आप अपने घर को थोड़ा सा न्यू लुक देना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे डेकोर आइटम्स लेकर आई हूँ आप सबके लिए और इन सभी को मैंने परचेस किया है मीशो से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मीशो पे आने वाली है बहुत बड़ी महासेल 7th of Jan को, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे होम डेकोर आइटम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसे आप विशलिस्ट पे रख सकते हो और 7 तारीख को आप अच्छे खासे डिस्काउंट में इसे बाई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, टोटल 10 आइटम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और सभी की अनबॉक्सिंग करूंगी मैं आपके सामने। तो मैंने अभी इसे इस तरह से इसे ओपन किया, अभी मैंने देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो चलिए फटाफट से इसे ओपन करके देख लेते हैं। बड़े अच्छे से पैकेजिंग में ये आया है, वाओ इट्स सो क्यूट। बहुत ही सुंदर सा मुझे ये शो पीस रिसीव हुआ है, छोटा सा पम्पकिन बना है। हालांकि पिक में बहुत ही ज़्यादा बड़ी पिक्चर दिखा रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। ये शो पीस है एक तरीके का, इसके ऊपर आप फ्लावर रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे सिंगल भी आप सजा सकते हैं, तो बहुत ही क्यूट लगेगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। सभी का प्राइस मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी गाइस। इसका प्राइस आई थिंक सो मुझे 140 के आसपास पड़ा था, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा पीस है, तो आप चाहो तो इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्सल, चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। मैंने ये बॉक्स इस तरह से ओपन कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने अंदर का आइटम देखा नहीं है, क्योंकि ना बॉक्स ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सोचा पहले से इसे ओपन कर लेती हूँ और अंदर मैं आपके सामने इसे ओपन करूँगी। ये भी बड़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है और इसमें भी मैंने गेस कर लिया है कि क्या होना चाहिए। माय गॉड इट्स सो क्यूट यार, इट्स सो क्यूट। कितना ब्यूटीफुल सा ये मुझे पीस रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये, इसमें कितनी सुंदर शाइनिंग है, और आप बिलीव नहीं करोगे ये दोनों आइटम मुझे एक साथ रिसीव हुआ है, आई थिंक सो 190 के आसपास। तो वर्थ टू मनी पीस है गाइस, डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही क्यूट सा है, इस तरीके से आप इसे एज अ शो पीस लगा सकते हो, आप चाहो तो सिंगल फ्रेश फ्लावर्स भी इसके ऊपर अरेंज कर सकते हो। मुझे तो बहुत ही क्यूट लगा, इसमें बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग है, आप देख सकते हो छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा आइटम नहीं है ये, और अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो ये है हमारा नेक्स्ट आइटम, ये भी एक बहुत ही यूज़फुल सा डेकोर आइटम है, इसे आप मल्टीपर्पज़ आइटम कह सकते हो, और इसमें जो आपको एक हिरन मिलेगा जिसके काफ़ी सारे आपको सींग दिखेंगे, और इस तरीके से ये ट्रे मिलेगी, तो बेसिकली आपको हिरन को इस तरीके से यहाँ पे जो है फिट करना है, तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पे फिट कर दो और ये आपका एक बहुत ही सुंदर सा डेकोर आइटम भी बन गया। और ये मल्टीपर्पज़ आइटम है, आप चाहो तो इसमें अपनी कीज़ वगैरह भी हैंग कर सकते हो, ज्वेलरी आइटम भी हैंग कर सकते हो, नहीं तो एज़ अ शो पीस आप इसे कॉर्नर में इस तरह से सेट भी कर सकते हो। तो मुझे ये आइटम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ये भी बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए अपना नेक्स्ट बॉक्स अनबॉक्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्सल भी मैं अपना फटाफट से ओपन कर लेती हूँ और इसमें पता नहीं क्या आया है। ओहो, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा यार, कितना प्यारा सा शो पीस, मैं आपको एक्चुअली ओपन करके पहले दिखा देती हूँ। क्वालिटी बहुत सुपर्ब है गाइस, ये देख सकते हो कितना क्यूट सा ये शो पीस है, मतलब कि मुझे बहुत प्यारा लगा यार, कितना सुंदर सा और क्यूट सा फेस बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा आइटम है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे और रिजनेबल रेट में मिल गया था और कहीं से भी ये ब्रोकन आइटम मुझे नहीं मिला है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी पीस नहीं है, बहुत क्यूट लग रहा है। इसमें आपको कलर्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने ब्लैक कलर को चूज़ किया है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, आप चाहो तो इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो।
तो ये हमारा नेक्स्ट आइटम, चलिए इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल यार। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या परचेस किया है। तो ये मैंने मैट देखा था मीशो पे और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रिव्यू भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे और क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है गाइस। बहुत ही सुंदर मटेरियल है, आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी पत्ती मिलेगी। मैं आपको सिंगल दिखाती हूँ, मैंने दो का सेट मंगाया है। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। अब बड़े अच्छे से पैक करके ही आया है, बीच में भी आपको बहुत ही सुंदर सी ये प्लास्टिक दे रहे हैं। इसे भी चाहो तो आप कहीं भी लगा सकते हो। बड़ा सुंदर सा पैटर्न बना हुआ है और जो मेन आइटम है वो आप देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज। तो ये मैंने दो गोल्डन कलर के मैट परचेस किए थे और आप देख सकते हो कितनी सुपर्ब क्वालिटी है। रबड़ का आइटम है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का इसमें जो है कलर किया हुआ है और लीफ बहुत सुंदर लग रही है। तो एज़ अ डेकोर आइटम के लिए ये बहुत ही सुंदर है। टेबल वगैरह पे आप लगाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा ये लुक। तो आप चाहो तो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो गाइज़। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, क्वालिटी सुपर्ब है इसकी। तो ये हमारा छोटा सा पार्सल, चलिए इसे भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो ये मैंने बहुत ही क्यूट क्यूट से शो पीस मंगाए थे लेकिन साइज़ में ये बहुत ही ज़्यादा छोटे मुझे रिसीव हुए हैं यार। इतना तो मैंने छोटा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से खरगोश मुझे दिखे मीशो पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे आए लेकिन क्यूट बहुत प्यारे हैं यार। ये इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये चार का सेट मुझे मिला है, साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन आइटम बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जो मैंने आपको वो हिरन वाला लुक दिखाया है डेकोर आइटम, उसमें भी आगे प्लेट्स में आप इसे इस तरह से सेट कर सकते हो। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी है और छोटू सा क्यूट सा ये मुझे सब मिला है। चार का सेट है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे लकड़ी का आइटम नहीं लग रहा है, ना ही मुझे ये मिट्टी का आइटम लग रहा है, लेकिन जो भी है यार ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है लेकिन साइज़ बहुत छोटा है। छोटी मोटी जगह पे आप चाहो तो एज अ डेकोर आइटम की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है, तो आप चाहो तो इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट डेकोर आइटम और इसे भी मैंने आधा जो है अनबॉक्स कर लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेलो टेप से पूरा बंधा हुआ आया था, तो इस वजह से मैंने इसे आधा निकाल लिया है। ये भी एक तरीके का वॉल पे लगाने वाला शो पीस है। इस तरीके से ये मुझे रिसीव हुआ है। तो ये मैंने परचेस किया है गाइस। ये चार का सेट मुझे मिला था, क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है ये और वॉल पे लगाने के लिए बहुत ही यूनिक सा आइटम है। इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो ये मैंने मंगाया है चार का सेट, बहुत ही प्यारा यूनिक सा मुझे शो पीस लगा ये। इस तरीके से आपको ये अंदर पैटर्न बनेगा, ये पूरा बहुत ही सुंदर सा पेंट किया हुआ है। तो बड़ी यूनिक सा मुझे ये शो पीस लगा तो मैंने इसे परचेस कर लिया। फोर का सेट मुझे मिला है, तो ये भी मुझे बहुत ही क्यूट सा आइटम लगा। अंदर की तरफ आपको हैंग करने के लिए दिया गया है, ये लोहे का बना है और दीवार पे आप इसे अच्छे से फिट कर सकते हो। तो ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप चाहो तो इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बहुत ही न्यू स्टाइल का ये एक डेकोर आइटम मुझे लगा। फोर का सेट था गाइस और इसका प्राइस भी मुझे 300 के आसपास पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है, आप चाहो तो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। तो ये मैंने मंगाया है नेक्स्ट आइटम, ये भी एक वॉल पर लगाने वाला डेकोर आइटम है जिसमें आपको काफ़ी सारे स्टार्स बने हुए मिलेंगे। इन्हें आप किसी भी तरीके से वॉल पे जो है स्टिक कर सकते हो। ये स्टिक करने वाले सारे स्टार्स है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये आपको आइटम मिलेगा, ये स्टार बना हुआ है और इसे आप वॉल पे स्टिक कर सकते हो। पीछे आप स्टिकर निकाल दो और इसे स्टिक कर सकते हो। आगे आपको प्लास्टिक लगा हुआ मिलेगा जिसे आप इस तरह से हटाओगे तो ये आपको बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग मिलेगी। किसी भी तरह की डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो वॉल पे और मुझे बहुत सही आइटम लगा। इसे मैं मंदिर वगैरह में यूज़ करने वाली हूँ, तो आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव आइटम है ये।
काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मुझे रिसीव हो गया था। इसमें मुझे टोटल 100 आइटम्स रिसीव हुए हैं। इस तरह से ये पूरे पैकेट हैं जिसमें टोटल 100 आइटम्स है। अभी मैं काउंट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेंशन किया है कि मुझे 100 पीस मिले हैं। तो आप चाहो तो इस डेकोर आइटम को ज़रूर परचेस कर सकते हो। मुझे तो ये बहुत ही प्यारे पीस लगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्सल जिसे हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि मुझे क्या मिला है। और मैंने इसमें गेस कर लिया है कि ये क्या होगा। और ये मैंने बहुत ही प्यारी सी बर्ड्स का सेट मंगाया था, आई थिंक सो वही होना चाहिए इसमें, क्योंकि अलग अलग आया है तो मैं गेस कर पा रही हूँ। तो ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो चलिए मैं एक साथ आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने बर्ड्स का सेट मंगाया था, तो मैं आपको फटाफट से ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट सी बर्ड बनी हुई थी और ये मैंने बहुत ही न्यू चीज़ देखी। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये बर्ड्स मुझे रिसीव हुई है। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट आइटम, चलिए इसे भी फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। मुझे बड़ी अच्छी सी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, काफ़ी अच्छे से फोम लगा के उन्होंने दिया है। और ये मैंने मंगाया था हिरन का सेट, क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। कितना ब्यूटीफुल सा ये हिरन है गाइस, बहुत ही सुंदर है ये। ये मैंने 2 का सेट मंगाया था और आप क्वालिटी देख सकते हो कितनी सुपर्ब आई है। इसी का प्राइस मुझे थोड़ा सा हाई लगा था, लेकिन रिव्यूज़ मैंने इतने अच्छे इसके देखे ना, तो मैंने इसे फटाफट से ऑर्डर कर लिया। और सच बताऊँ बहुत ही सुंदर सा शोपीस है, मतलब आपके घर को एकदम नया लुक देने के लिए ये बहुत ही बेस्ट आइटम होने वाला है। एज अ डेकोर आइटम भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। तो मेरी तरफ़ से तो गाइज हाईली रिकमेंडेड है। ये 2 का सेट मैंने मंगाया था, दूसरा वाला भी बहुत ही सुंदर आया है। एक आपको ये खड़ा हुआ हिरन मिलेगा और ये एक बैठा हुआ है। क्वालिटी बहुत अच्छी है दोनों भी, आप एक साथ लगा सकते हो, नहीं तो सिंगल एक ऊपर एक नीचे करके आप लगा सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत ही बेस्ट आइटम लगा। और इसमें आपको वाइट कलर में भी ऑप्शन मिल जाएगा, मैंने ब्लैक वाला परचेस किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी मटेरियल मुझे लग रहा था रिव्यू में, तो मैंने ब्लैक वाला परचेस किया। आप चाहो तो वाइट वाला भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शोपीस है, डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। That's all for today guys, ये रहा मेरा आज का होम डेकोर हॉल। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें से आप किसी भी आइटम को परचेस कर सकते हो, सभी का लिंक या कोड जो भी अवेलेबल होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।